तो स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन प्रॉपर प्रेजेंटेशन में आपको करवाऊंगा कि कैसे कर पढ़े यस द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव प्रपोजल प्रोजेक्ट ए में पैसा लगा सकते हैं कितना रहा है बारह लाख और प्रोजेक्ट बी में पैसा लगाओगे तो अठारह लाख बोथ आर एस्टिमेटेड टू प्रोवाइड कैश फ्लो फॉर फाइव ईयर कैश फ्लो शब्द दिया हुआ है अभी तक और ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो अब देखते आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा प्रोजेक्ट ए में हर साल कितना आ रहा है चार लाख और प्रोजेक्ट बी में कितना आ रहा है पांच लाख अस्सी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है दस परसेंट पूछ रहा है कि कौन सा प्रोजेक्ट हम प्रेफर करेंगे एनपीवी के हिसाब से पीआई के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स ये भी एक हमने क्या पढ़ा था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और एक शब्द डिजायरेबिलिटी फैक्टर और एक शब्द प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मतलब पी आई और फिर क्या करना है हमको आई आर एस डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है उसने टेन परसेंट का भी अठारह परसेंट का भी और ट्वेंटी परसेंट का भी क्या ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है यस yes. एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आई सी ए आई का ना हो ठीक है मैं बेकार बाहर का नहीं करवाऊंगा या तो आर टी पी का होगा या तो एम टी मैं बता दिया करूंगा अगर अगली क्लास से कि कब आया था इसा? और ये आंसर दिया है जो आपको नहीं देखना है ठीक है तो चलो काम कर रहे हैं पहला क्या निकाले एनपी की प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे एनपी तो एनपीवी का कुछ बच्चे फॉर्मूला नहीं लिखते लेकिन हम लोग समझदार पीबीसी माइनस पीबीसी पहले बात किसकी करेंगे प्रोजेक्ट ए। बोलो हर साल कितना चार लाख फैक्टर दिया है क्या कितना परसेंट दस परसेंट का फैक्टर दिया थ्री पॉइंट सेवन नाइन वन और इसमें से माइनस कितना करोगे माइनस बारह लाख बोलो एनपीवी कितना है तीन लाख सोलह हजार चार सौ आंसर देखकर तो नहीं बोल रहे हो ना <laughs> तीन चार सौ कैसे बोल सकते <laughs> हाँ <laughs> <कौर्मिडन से>। <laughs> <laughs> तो तीन लाख सोलह हजार चार सौ पहला सही है प्रोजेक्ट बी हर साल कितना आएगा पांच अस्सी हजार इन अच्छा दस पांच साल है ना टी पॉइंट सेवन नाइन वन माइनस कितना करोगे भाई अठारह लाख टी सेवन 398 780 तो मेरा ना अभी फाइनल का ऐसा भी चलता था क्लास और ऑनलाइन भी चलता था उधर से मैसेज आते थे इधर से बच्चे बोलते भी थे तो जो ऑनलाइन देखते ना वो ज्यादा कैलकुलेट नहीं करते थे और बच्चे बोलते थे और मैं लिखता था और फिर बच्चा सा, सामने वाला बोलता ओह सॉरी गलत था सर तो मैसेज आता सर कौन बोला बताओ कौन है जो जवाब <laughs> तो नहीं समझ क्योंकि वो तो छाप रहा है यहां से देखकर और फिर सामने वाला फिर थोड़ी देर बाद बोलता है सर सॉरी गलत बोल दिया था सब लिख चुके हैं <laughs> तो के हिसाब से कौन सा अच्छा बी बी है ना बी <laughs> ले <ला, लिख> <laughs> तो आपको प्रोजेक्ट बी इज़ बेटर टू आया एनपी ठीक है यहां तक अब क्या है पी आई क्या फॉर्मूला था कैश इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या था वो पीवीसीआई पीवी हाँ ऐसे ही तो था चलो निकालो पी आई पेज नहीं पलट सकते पीछे है ना गुड वन पॉइंट पी में ना दिक्कत क्या है बच्चों की सर पॉइंट के बाद दो डिजिट लिखना है कि तीन लिखना है कि चार लिखना है कैसे करें कम से कम फैक्टर हो चाहे ये हो पॉइंट के बाद तीन डिजिट हमको लिखना लिख लेता हूं मैं थैंक गॉड आप लोगों के पास बुक नहीं है वन पॉइंट टू सिक्स थ्री अगला वन

तो क्या एनपीवी और पी की सबसे अलग अलग आंसर आ सकता है दो। अगर दो प्रोजेक्ट है तो अगर सिंगल प्रोजेक्ट है तो एक ही आएगा वाह तो पढ़ाने का मुझे और आपका फेवरेट आई अच्छा अब सवाल ये है यार कौन कौन सा रेट लेना है हमको दस तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं अब कौन सा लेंगे अठारह और अठारह पे पॉजिटिव आ गया तो फिर क्या लेना बीस। पड़ेगा बीस पर अठारह पे पॉजिटिव आएगा क्या नहीं क्यों क्योंकि आंसर नाइनटीन है अरे अठारह पे पॉजिटिव आएगा तो सीधा बीस ले ले क्या नहीं यार ये सुनो पहले अठारह ले लो बेकार में यार हाँ तो दस परसेंट पे हमारा पहले प्रोजेक्ट ए खत्म करें क्या प्रोजेक्ट ए ठीक है जब आपने निकाला एनपीवी कितने परसेंट पे निकाला बेटे दस परसेंट पे तो एन कितना आ गया तीन लाख सोलह हजार चार सौ अब यार मैंने तो ये कहा था कि दस के बाद सीधा पंद्रह लेना लेकिन पंद्रह हम नहीं लेंगे उसकी वजह क्या है नहीं दिया तो जो फैक्टर दिया पहले तो एटीन परसेंट के हिसाब हम एन निकालते हैं जो कि नेगेटिव आना चाहिए पर आएगा क्या नहीं मतलब पॉजिटिव आएगा सर कैसे पता आंसर देखकर कर बता एटीन परसेंट के हिसाब से हम निकाल रहे हैं एन तो यार हाँ फैक्टर दिया हुआ है थ्री पॉइंट वन टू सेवन और चार लाख चार लाख इंटू थ्री पॉइंट वन टू सेवन और माइनस पैसा कितना जा रहा है बारह लाख तो एनपीवी पॉजिटिव आ गया पचास हजार आठ सौ तो अब हमको कितना लेना पड़ेगा इससे बड़ा वाला रेट बीस परसेंट चार लाख बीस परसेंट का फैक्टर कितना है टू पॉइंट नाइन नाइन वन माइनस बारह लाख क्योंकि प्रोजेक्ट तो यही चल रहा है अभी तक तो ये होता है एग्जाम में नेगेटिव में थर्टी सिक्स हंड्रेड अब करते इंटरपोलेशन तो सबसे पहले एटीन परसेंट पर कितना आ रहा है भाई पचास हजार आठ सौ ठीक है सर हाँ चीज सही है ट्वेंटी परसेंट पर कितना आ रहा है तीन हजार छः सौ नेगेटिव और हमें चाहिए जीरो तो जैसे ही हमने दो परसेंट हमने बढ़ाया तो फाइव है और ये है डिफरेंस है पचास हजार आठ सौ hmm. तो एटीन तो लगेगा लगेगा hmm. प्लस दो के लिए फिफ्टी फोर फोर हंड्रेड तो पचास आठ सौ के लिए कितना फाइनल hmm. आंसर नाइनटीन पॉइंट एट सिक्स ओके नाइन 19.86 आंसर क्वेश्चन नीचे आ, चल जाएगा चल जाएगा ठीक चल <laughs> चलो अब कौन सा करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट बी कौन है जिसको सीढ़ियों चढ़ने की अच्छी प्रैक्टिस है अभी <laughs> <laughs> बुक लेकर आ जाना क्योंकि बार बार ना मुझे बोर्ड आपको दिखाना पड़ रहा है बुक्स आपके पास में रहेगी तो कहना हाँ एक कोई कहना <laughs> सर ने बुक्स बुलवाए सारी तो बुक्स सारी बुक्स गुड थैंक यू सो मच हाँ प्रोजेक्ट कब बना 是的。 एटीन पॉइंट थ्री तो मिसप्रिंट है इसको ठीक कर लेना बुक में अब पता नहीं आपकी आदत है कि नहीं नहीं नाम नहीं बच्चे हाँ जब हम लोग रिवीजन करते हैं ना हम लोग जब रिविजन करते हैं ना तो दिक्कत क्या आती है कि जैसे कोई क्वेश्चन है है जिस पे हमको जंप करना है। क्या हुई है दिक्कत मैं आपको बता रहा हम जब जल्द जल्दी में रहते हैं ना यार ये वाला क्वेश्चन कहाँ तो बुक हमको बुक ढूंढना पड़ता है पेज पलटाए जा रहे क्योंकि एक कॉपी नहीं बहुत सारी सर बुक तो बहुत छोटी सी है बेटे हाँ बुक छोटी सी है लेकिन उसके लिए आपको चार रजिस्टर लग जाएंगे ठीक <laughs> ठीक है इसको इसका आंसर करेक्ट कर लेना एटीन पॉइंट थ्री फोर सिक्स है टाइपिंग मिस्टेक ओके दिखाए मत अब 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 तो बुक भी हो गई आपके पास कोशिश ये करना कि आंसर ना देखे हाँ चलो वैसे तो सॉल्यूशन दिया ही नहीं मैंने तो बनाना तो पड़ेगा आपको ठीक आंसर लास्ट में मैच कर ही ले जाओ एटीन पॉइंट थ्री फोर सिक्स ठीक ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आप बना चुकी हो अच्छा पूछू ये सिक्सटी एट थाउजेंड क्या दिया है जो भी देख बना लोगे ना आप हाँ। कहाँ है आपकी कॉपी में बना चुके हो तो इसको मैं आई आर आर वाला और और भी करने का दिल किए कर रहा होगा तो होमवर्क क्वेश्चन नंबर टू हाँ अब मजा एक यहाँ कॉन्सेप्ट आएगा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में और अच्छा कॉन्सेप्ट है चलो लिखा है कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल और इक्विपमेंट जो है उसका कैश आउटले है छ लाख रुपया लाख रुपया लग रहा है और वर्किंग कैपिटल कितना लग रहा है ये वर्किंग कैपिटल क्या है भाई मतलब यार किसी भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फिक्स एसेट में जो बिल्डिंग मशीनरी वगैरह का जो पैसा लगता लगता है साथ में स्टॉक भी लगता होगा मतलब इस तरह से भी तो पैसा लगता होगा स्टॉक्स में वगैरह में तो ये क्या है वर्किंग कैपिटल सर तो वर्किंग कैपिटल का मतलब और क्या आप बिजनेस कैश भी तो रखते हो अपने पास बहुत सारी चीजें वर्किंग कैपिटल अच्छा क्या ये मशीन कुछ साल बाद बिक सकती है यस उसका तो पैसा मिलेगा बता रहा है कि विदाउट एनी सेलवेज है कि नहीं नहीं है और ये वर्किंग कैपिटल का पैसा मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा ये इंपॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल है क्या चीज मैम एक एग्जांपल के तौर पे स्टॉक ले रहा हूँ तो स्टॉक का पैसा रियलाइज होता होगा कि नहीं होता होगा जो हमने मिनिमम स्टॉक आपको रखना पड़ेगा मैं दुकान खोल रहा हूँ मिनिमम स्टॉक रखना पड़ेगा और पांच साल बाद प्रोजेक्ट बंद हो पैसा मिलेगा वो कब मिलेगा स्टॉक का मैंने अस्सी हजार रुपए रखा है स्टॉक मुझे मेंटेन करना अस्सी हजार रुपये ये स्टॉक का पैसा कब रियलाइज होगा डेटर्स की बात कर डेटर्स समझते हो ना आप डेटर्स से पैसे मान लो डेटर्स डेटर्स खड़े हैं अभी तो ये डेटर्स का पैसा कभी मिलता है कि नहीं मिलता है <laughs> नहीं मैं डेट्स की बात नहीं कर रहा हूं हम किसी को बैलेंस शीट देखी हो आपने कभी बैलेंस शीट में इधर क्या बोलते हैं दिखाई देते हैं वो का पैसा कभी मिलता मिलता है कि नहीं ये लास्ट में मिलेगा आप नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं मेरा बस इतना है कि जो डेटर्स है वो हमेशा के लिए पैसा ब्लॉक हो जाता है कि पैसे रिकवर होते हैं बस इतना है। होता है। चलो ऐसे नहीं समझो कि मैं किसी दूसरे तरीके से समझा क्योंकि मेरे नहीं वर्किंग का <laughs> मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे ये हमारे साइड में एक प्रोविजन शॉप है वहाँ से हम उधार लाते हैं पहली बार उधार लाए दस हज़ार का अगली तो डेटर्स कितने खड़े हो गए दस जब नेक्स्ट टाइम पेमेंट किया ना फिर उधार ले आता हूँ मैं ऐसा नहीं है कि समझ रहे हो आप तो बोले डेटर्स कितने के खड़े हैं दस क्या हमेशा दस कब पैसा कब डेट्रेस खत्म हो गए तो, तो पैसे उधार, उधार भी लेते जाऊंगा आप नहीं समझ रहे हो क्या डेट्रेस हमेशा खड़े रहते कभी कभी ऐसी बैलेंस शीट देखा है आपने कि डेटर्स है ही नहीं है यार नहीं। वो हमेशा रहता वो पैसा हमेशा ब्लॉक रहता बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं अगर जो मुझसे उधार ले गया मतलब गया वो पैसा कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं लगेगा मिलेगा नहीं वो फंसा रहेगा वो ऐसा लग जरूर मिल रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या है हाँ, नहीं मिल रहा ठीक है वो पैसा तो आपको मिल ही नहीं रहा पर मिलेगा सब बिजनेस बंद करोगे तो तब तब मिलेगा अगर वो ईमानदार रहेगा हाँ. तो बता देगा तो है ना तो वही कहेगा बिजनेस बंद हो गया निकलो अब तो अब बिजनेस तो हम यही मान के चल रहे हैं कि ये जो पैसा है वो पता लग रहा है की सर स्टॉक तो बिक रहा है बिक रहा तो फिर और भी तो खरीद रहा है तो ये पैसा आपका मिनिमम स्टॉक के लास्ट तक रहेगा ये पैसा रिकवर होगा पर कितने साल बाद होगा पांच साल बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग कैपिटल के विषय में कुछ दिया है तो ये लगेगा आज और लास्ट में चाहे क्वेश्चन कुछ बोले चाहे क्वेश्चन कुछ ना बोले ये रिकवर हो जाएगा ठीक है ये नोट में लिखवा दूंगा क्वेश्चन बनाते समय ओके सर इसके अलावा उन्होंने कहा है कि डेप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन का मेथड कौन सा है एसएलएम एल एम एस एल एम और एस्टिमेटेड बिफोर टैक्स कैश इनफ्लो चलो अब आपकी परीक्षा की घड़ी है ये क्या दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये सी कैश फ्लो बिफोर टैक्स ये क्या लिखा हुआ बिफोर टैक्स कैश इनफ्लो आप जो बोलोगे मैं यहां लिख दूं हाँ, हाँ, हाँ तो, तो, तो हाँ तो मैं कहा बोल रहा हूँ आप जो बोलोगे मैं लिखूंगा मैंने कहा ना सी एफ बीटी सी एफ बीटी रुपीज था में दे रखा है जीरो जीरो लगा के बनाओगे कि बिना जीरो के चलो जैसे आप बोलो जीरो लगाना फिर इधर जीरो जीरो में बहुत परेशानी हो जाएगी आपको ठीक है सर जीरो लगा देंगे तीन, तीन तीन जीरो ही तो लगाना है टैक्स का रेट कितना है थर्टी फाइव परसेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है बारह परसेंट हद हो गई डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड और पेबैक पीरियड और एन पी वी और आई आर बस और डिस्काउंटिंग नहीं दिया है कि दिया है दिया है ये वाला क्वेश्चन प्यार से बनाते एक आप तो बनाएंगे में सब सारे को आपको लग जरूर होगा सर होमवर्क दो ना दूंगा बहुत सारा दूंगा आप टेंशन तो पहला क्या काम क्या करें निकाल के वर्किंग नोट नंबर वन देखो ऐसा है सुनो सुनो मेरी बात टीचर ना मैं तो यूट्यूब पर भी बोल रहा हूँ टीचर को क्या है मस्ती है हाँ वर्किंग बेटे बेटे देखो पहले मेन आंसर होना चाहिए फिर वर्किंग एग्जाम देने जाओ समझ में आती है सारी बात जो आता है वो लिखो जो आता है वो लिखो बोलने में बहुत अच्छा लगता है ऐसा करो जब एग्जाम देते ना तब बात समझ में आती है स्टार्ट कर रहे हैं ना तो सबसे पहला सीक्रेट वर्किंग नोट नंबर वन पी एफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना कॉलम लगेगा क्या लगता है कॉलम बनाते नहीं पांच मतलब छह ईट तो को तो कहा जाते वन टू तो, और क्या दिया है हमको सी एफ पी टी हाँ एक बार बोलोगे दो लाख चालीस हज़ार दो पचहत्तर दो लाख हज़ार एक लाख अस्सी हज़ार और एक इसमें से क्या माइनस होगा? सेल्वेज माइनस होगा कि नहीं? सही नहीं? मेथड कौन सा है? SLM मशीन का कॉस्ट कितना है? छः लाख डिवाइडेड बाय पाँच एक लाख बीस एक लाख बीस हज़ा सर तो आप तो ऐसे में डब्ल्यू डीवी डब्ल्यू डीवी करवाए आएगा ना वो अभी एक बीस तो अब जो आएगा एक लाख बीस हजार तो ये आ गया सर पी बी टी पहला तो एक बीस हो गया एक लाख पचपन हजार नब्बे हजार साठ चालीस माइनस क्या करोगे टैक्स टैक्स का रेट कुछ दिया है क्या थर्टी फाइव फोर्टी टू फाइव फोर टू फाइव जीरो थर्टी वन फाइव हंड्रेड थाउजेंड, फोर्टीन थाउजेंड ठीक है है निकाल लिया है क्या कैसे निकाला क्या ए आर आर मांगा है ए आर आर नहीं मांगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं पैट की जरूरत नहीं और सर ए आर आर मांगता तो तो मैं पैट भी निकाल तो वन माइनस टू कर लू वन लाख नाइन्टी एट थाउजेंड दो लाख बीस हजार सात सौ ठीक है नाइन वन फोर्टी सिक्स वन लैख फिफ्टी नाइन थाउजेंड वन लाख फोर्टी सिक्स थाउजेंड ओके अभी क्या करना है एनपीवी अब यार एनपीवी निकालने के दो तरीके हैं एक तो एक लाइन में खत्म करें दूसरा टेबल में करें क्या टेबल में अभी तक किया है कि आपने NPV? चलो टेबल में करते सजा कर करते एक आध क्वेश्चन सजा के करोगे ना कम से कम पता तो लगेगा क्या तक हो गया? एनपी एक आएगा ईयर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू मतलब सर और एक कॉलम रहेगा क्या इट मींस मैं आपको बता रहा हूँ सर ये प्रेजेंटेशन जरूरी है क्या जरूरी तो नहीं है पर अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो ऐसे प्रेजेंटेशन से कर सकते ईयर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कौन सा रेट 12% और यहां जाएगा अमाउंट और यहां जाएगा प्रेजेंट ये आपका मालूम है कौन सा एक टॉपिक आएगा रिप्लेसमेंट डिसीजन क्योंकि देखा मैंने आपका देखा कि सेल्फ में वो दे रखा ना टीवाई की, पूरा रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन दे रखा इंपॉर्टेंट है तो रिप्लेसमेंट में बहुत काम आने वाला ये टेबल ओके सर तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे कैश आउटफ्लोस कैश आउटफ्लो में यहाँ क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कब पैसा जा रहा है आज को हम बोलते हैं जीरो और आज वन का वन ही बोलो कितना पैसा जा रहा है आज छह लाख तो उसका प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो छ लाख ही आएगा ठीक है इसके अलावा और किस चीज का पैसा जा रहा है वर्किंग कैपिटल कब जा रहा है आज कितना अस्सी हजार तो यहां भी कितना जाएगा अस्सी हजार तो यहाँ टोटल कर दो लाख अस्सी हजार इसको चाहो तो टोटल ऑफ ए बोल सकते अब क्या आएगा सर अब आएगा कैश इनफ्लोस और कैश इनफ्लोस में क्या चीज लिखना हमको सी एफ ए टी सी एफ ए टी क्या हर साल का अलग अलग है कि एक जैसा है तो वर्किंग नोट नंबर वन वन टू थ्री फोर फाइव फैक्टर कितना परसेंटेज है यार बारह परसेंट फैक्टर दिया है क्या बुक में एक बार बता दो पॉइंट अच्छा चार डिजिट में दिया है क्या एगवान पॉइंट सेवन नाइन सेवन टू सेवन डबल वन एट सिक्स थ्री फाइव फाइव अपन चौर ठीक है कितना आया था हमारा सी एफ ई टी वन लैख नाइन्टी एट थाउजेंड टू टू जीरो सेवन फाइव जीरो वन सेवेंटी एट फाइव हंड्रेड वन लैख फिफ्टी नाइन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते राउंड ऑफ करके बोलोगे ना वन सेवन सिक्स सेवन नाइन फोर वन सेवन फाइव नाइन एट टू वन एटी सेवन जीरो फाइव सिक्स वन जीरो वन जीरो फोर फोर एट टू एट मतलब वही कर रहे थे बस यार टेबल में लिख दिया लास्ट में क्वेश्चन बोले ना बोले वर्किंग कैपिटल आएगा फिफ्थ ईयर में एटी थाउजेंड फोर फाइव थ्री नाइन टू बस अब ये वाला भी जोड़ते थे ये वाला पार्ट और सर इसको टोटल ऑफ बी बोल सकते हैं यस सेवन तो नाइन वन जीरो एट एनपी भी निकल जाएगा बी माइनस ए सेवन जीरो माइनस क्या बोला है कि इवेलुएट करने के लिए प्रोजेक्ट को हाँ तो बस हम बेकार में ज्ञान नहीं देंगे ठीक एक्सेप्ट या बस क्या क्वेश्चन खत्म हो गया माइनस में क्यों मैंने बी माइनस ए किया भगवान अभी और कुछ बाकी है कि उसमें पेड़। क्या लगता है इसको आगे होमवर्क दे दूं या कर लो यहाँ बनाएंगे यहाँ बनाओगे तो पूरा टाइम हो जाएगा इसी में एक आध क्वेश्चन बनाते हैं अच्छा तो सबसे मुख्य प्रॉब्लम जो आपकी है वो कितना पेज लगेगा समझदार हो बाकी पिछली बैच में पूछते थे कि सर कितना पेज लगेगा और सुनो ऐसा भी नहीं पिछली बैच में मालूम है किसी बच्चे ने मुझसे और भी कुछ पूछा था तो नाम बताओगे कि नाम भी बता दूंगा और पूछा क्या था पहले सुनो सर ये जो फैक्टर है ये क्या चीज कब का है एक महीने बात का कि दो महीने कि तीन महीने बात का कब का ये फैक्ट, फैक्टर कब का है फर्स्ट ईयर के एंड का बोले ठीक सर बोले सर आप बिजनेस कर रहे हो ये कैश फ्लो कब का है एंड का मतलब सर कितनी अजीब सी बात बोल रहे हो कि दुकान खोले साल भर बिक्री नहीं हुई सीधा लास्ट में बिक्री होती है और हम काम करते पैसा पहले दिन आ रहा है क्या आप शॉप खोलते हो पहले दिन पैसा आएगा क्या नहीं दूसरे दिन नहीं तीसरे दिन नहीं सीधा कब आएगा फिर ईयर के एंड में ये मान रहे हो ना आप सही है क्या गलत लास्ट में बीच में आता है हाँ। तो उनका क्या ना सर बीच का फैक्टर लेना चाहिए ना आप सर ईयर एंड का फैक्टर क्यों ले रहे हैं हाँ बिल्कुल सही तो बोल रहे हो तो उनका डेली का फैक्टर लो हाँ हाँ बस वही प्रॉब्लम है ना इतना कौन निकालेगा इसी वजह से हम एजम्सन लेते हैं कि लास्ट में आ रहा जबकि लास्ट में नहीं आता बीच बीच में आता सर तो ये कौन स्टूडेंट है बाद में बता ठीक है चलो तो एक अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे ये वाला क्वेश्चन बाकी होमवर्क रहा आंसर आपके पास है एक बार पढ़ते अगर लगेगा कि यार सर ये भी हम बना लेंगे तो फिर सोचते एक बार पढ़ते तो क्वेश्चन अब होमवर्क मिलना स्टार्ट हो गया है ना अभी तक तो खूब किया तो प्रोजेक्ट में पैसा लग रहा है चार सौ लाख क्योंकि ये लाख में दिया है तो हम ये भी लैक्स में कर लेंगे इधर जीरो जीरो नहीं लगाएंगे और बोल रहा है कि आएगा ओहो अर्निंग बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स नाम बोलो कितना पांच साल तक सर अर्निंग्स का मतलब अर्निंग्स का मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्रॉफिट है इधर देखना इधर इधर जो लिखा रहेगा वो ऐसी जिसमें से डेप्रिशिएशन भी माइनस नहीं हुआ टैक्स भी माइनस नहीं हुआ तो हम इसको सीएबीटी बोलते हैं सर ठीक कॉस्ट ऑफ रेजिंग द एडिशनल कैपिटल इज ट्वेल्व परसेंट क्या कहना चाहता है और डेप्रिशिएशन का मेथड ट्वेंटी परसेंट कौन सी मेथड डब्ल्यू स्क्रैप वैल्यू थैंक गॉड जीरो क्या टर्मिनल वैल्यू आएगा आएगा कॉन्सेपचुअल बात करो तो पांच साल बाद मशीन का सेलवेज तो जीरो होगा सेल्स कंसिडरेशन पर बुक वैल्यू तो बचेगा अब सर आई कभी लेता है कभी नहीं लेता है अब देखेंगे आगे और कुछ बोलेगा तो एन भी निकालना है भाई बस और कुछ नहीं। ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए अच्छा तो... और देखिए ओहो आईआरआर भी निकालना है IRR और एनपी और फैक्टर दे रखा है टेन परसेंट के हिसाब से ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन तो क्या लगता है हो जाएगा आपसे मेरे ख्याल कॉन्सेप्ट निकालना चाहिए पता नहीं कि इंस्टीट्यूट ने लिया है कि नहीं आपको लेना चाहिए ठीक है टर्मिनल वैल्यू निकालना जीरो लेना और बुक वैल्यू माइनस कर देना उसको Homework है वो क्वेश्चन नंबर होमवर्क मैं homework कैसे चेक करता हूं पता है ना कि अगर कल तक इन क्वेश्चन में डाउट आया तो ठीक नहीं तो मैं मानूंगा हो चुका है आपसे बन चुका है ठीक है फिर मैं आगे जवाब नहीं दूंगा मतलब आज का कल ही डिस्कस करूंगा और रिटर्न में दिखाना पड़ेगा कहां बनाया था तो ये मत बोलना कि घर में बनाकर देखे थे हाँ, Homework, हाँ। मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन हमको करना है क्लास होमवर्क होमवर्क कॉपी अभी जो अच्छे क्वेश्चन हो गए ना अभी बहुत बाकी बहुत बड़ा है कैपिटलिस्ट क्वेश्चन बहुत सारे एक्चुअली तो भाई दो मशीन दिख रही होगी देखो आप बोलोगे तो मैं दूंगा होमवर्क नहीं बोलोगे तो हम यहाँ बना लेंगे एक लाख पैंतीस हजार दो लाख चालीस हजार ठीक है ओके सर और स्क्रैप तो है ही नहीं है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है एनुअल इनकम से दे रखा अब लगाओ इनकम से दे रखा बोलो क्या ना टैक्स का चक्कर है ना एप्रिसिएशन की, तो की कोई बात सी एफ ए टी प्रोजेक्ट ए में आज कितना पैसा जा रहा है एक पैंतीस पहले साल कितना आएगा तो दो तीन चार मतलब पहले साल नहीं चलेगा बिजनेस ऐसा अनुमान है यार पहले साल ठीक ठाक रहेगा उसके बाद हमको प्रोजेक्ट बी और फैक्टर दे रखा है डिस्काउंटिंग पेयबैक पीरियड और पीआई और एनपीवी हाँ ले लो मुझे क्या है घर जाके आफिबीजी होने वाले हो <laughs> <laughs> ये अच्छा दिख रहा था <coughs> इसमें इसका है लाइफ सेम तो देखे तो दो प्रोजेक्ट हैं एम एक्स और एम वाई एक्स और वाई कॉस्ट ऑफ मशीन है आठ लाख और इसका दस लाख बीस हजार लाइफ है दोनों का छः साल साल इसका वैल्यू बीस हजार और तीस हजार और डेप्रिशिएशन का मेथड नहीं दिया होगा तो ऐसे में मान लेंगे नेट इनकम दिया है बिफोर डेप्रेशिएशन एंड टैक्स बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स ये और ये ठीक और बड़ा क्वेश्चन है यार टैक्स का रेट दिया है थर्टी परसेंट और डिस्काउंटिंग रेट है टेन परसेंट अप्रीशियेशन कुछ नहीं बोला तो ऐसे पहले नंबर पे क्या निकालना है अच्छा बोला है कैसे पे बैक पीरियड दूसरे नंबर पे एनपीवी एनपीवी एन दस परसेंट डिस्काउंट और तीसरे नंबर पर बताओ कौन सा प्रोजेक्ट इसके भी हिसाब से बता देना इसके भी हिसाब से बनाए हाँ आप भी कहोगे बहुत हो गया यार घर होमवर्क मिलेगा तो घर में कौन <laughs> तो स्पीड दिखाना है कि सजा करना है तो पहला काम क्या है सी एफ ए टी और क्या दोनों का भी निकालना पड़ेगा हाँ तो चलो मतलब आप ये मत सोचो मैं सी ए बन गया हूँ आप कर रहे हो सर वीडियो क्या करो वीडियो पाउस करूंगा <laughs> हाँ जी आप लोग जो देख रहे हैं वो भी बना ही है तो ये आंसर जो है इसका ठीक कर लेना भाई बुक में फोर एट जीरो सेवन क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं ना फिर नहीं आता फिर हम परेशान हो जाते कि आ क्यों नहीं रहा और दूसरे का एक लाख बारह हजार बयान में ये तो कुछ ज्यादा दिख रहे हाँ निकाल लो निकाल सीधा गलत

सिंपल तो सी बात है कि यार पैसा आ रहा है मशीन को बेचने से तो जो भी पैसा आ रहा है सब एक साथ ऐड कर दीजिए आप ठीक है तो स्क्रैप वैल्यू भी तो बेचने से आएगा पैसा तो वो कैश इनफ्लो में ऐड हो जाए वन टू वन वन टू जीरो नाइन हाँ जी दो तो लोगों का आंसर ये नाइन जीरो आ रहा है तो इसको भी ठीक कर लो वन वन टू जीरो नाइन जीरो हाँ इस वजह से बाकी ये तो इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा फोर एट जीरो सेवन अभी कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि अब क्वेश्चन करोगे अब एक एक घंटे वाले क्वेश्चन है अभी तो ये जल्दी हो गया तो कल से हमारा प्रॉपर उस सेम जो हमने डिसाइड किया था टेन थर्टी से स्टार्ट अब तो बुक भी मिल गई हम लोगों को तो अब बिना ब्रेक के कंटिन्यू क्लास हो कि टारगेट है सात माह से पहले हमको ख़त्म करना किसी भी हालत ठीक है और होमवर्क कर लेना